हेलो एवरीवन, ये वीडियो द टू यूज ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो कि एक चैप्टर है आई ए रिचार्ड्स के फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1924 में प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पब्लिश हुआ। और इसी बुक में बहुत सारा चैप्टर है, टोटल 35 चैप्टर्स है, तो उसी में से एक चैप्टर है द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज। आइवर आर्मस्ट्रांग रिचार्ड को फादर कहा जाता है न्यू क्रिटिसिज्म का, और रिचार्ड्स एक इंग्लिश एजुकेटर, रेटोरिसियन, क्रिटिक थे 20th सेंचुरी में, और उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया न्यू क्रिटिसिज्म को के फाउंडेशन में। हिज वर्क सिंथेसाइज द क्लोज रीडिंग ऑफ ए टेक्स्ट स्पेशली पोएट्री टू डिस्कवर हाउ ए वर्क ऑफ लिटरेचर फंक्शन एज ए सेल्फ कॉन्टेंट एंड सेल्फ रेफरेंशियल एस्थेटिक ऑब्जेक्ट। सो जो न्यू क्रिटिसिज्म था या जो न्यू क्रिटिक थे, जो भी इनके फॉलोअर थे, वो न्यू क्रिटिक्स कहलाए, जो प्रैक्टिशनर थे। सो इन सारे लोगों का एक मोटो था क्या, किसी भी टेक्स्ट को क्लोज रीडिंग का, साथ ही साथ स्पेशली किसी पोइट्री को क्लोज रीडिंग करना। सो क्लोज रीडिंग क्या है, किसी टेक्स्ट में जो भी कैरेक्टर आया है, जो भी प्लॉट आया है, थीम है, उसका क्या मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, इनके बारे में बात करना, उसका उसका क्या मीटर है, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है, तो ये इस क्लोज रीडिंग का बात करते हैं। So his two well-known works are Principle of Literary Criticism, which was published in 1924, and Practical Criticism, which was published in 1929. तो Principle of Literary Criticism में ही ये टॉपिक आता है, The Two Uses of Language. Richards, The Two Uses of Language is one of the chapters of his famous book, Principle of Literary Criticism. So it is a book of theoretical framework for criticism, which would free it from subjectivity and emotionalism. सो ये जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये एक थ्योरी प्रोवाइड करता है कि आप क्रिटिसिज्म कैसे करें, साथ ही साथ ये बुक आपको हेल्प करता है कि आप जब एज ए क्रिटिक जब किसी टॉपिक को क्रिटिसाइज करते हैं, तो कैसे आप सब्जेक्टिविटी मतलब बायसनेस किसी के फेवर में ना बात करके आप उससे ऊपर बात करें, उसके उसमें किसी भी वर्क ऑफ आर्ट में, किसी पोएट्री में जो मेरिट है, डिमेरिट है, उस कर उसको खुल करके बात करें। सो एक थ्योरी ये प्रोवाइड करता है कि आपको किस किस पैरामीटर पे किसी पोएम को जज करना है, ना कि कोई पोएट आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसके बारे में आप अपना पर्सनल ओपिनियन दें। सो इस सब से आपको ये फ्री करता है ये बुक। साथ ही साथ रिचार्ड इस बुक में डिस्कस करते हैं कि किसी आर्ट का क्या वैल्यू है और ह्यूमन इंडिवर में उसका क्या प्लेस है। According to him, arts is valuable because it helps to order our impulses. As we know, language is a medium which allows us to share our ideas, thoughts and feelings with others. So, language एक medium है जो हमारे जो भी ideas या thoughts या feelings हैं उसको हम एक दूसरे के साथ share करते हैं. The two use of language is about the use of a language. किसी भी एक language का कितने टाइप से यूज होता है, तो उसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आई ए रिचार्ड्स। सो रिचार्ड्स कहते हैं लैंग्वेज कैन बी यूज इन टू वेज। कोई भी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी को दो तरीकों से यूज कर सकते हैं, जैसे कि दो पहला वो तरीका होता है वो साइंटिफिक यूज, और दूसरा तरीका था इमोटिव यूज। सो साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज डिनोट्स ट्रूथ और फैक्ट। ये चीज ध्यान रखना है कि जो जब लैंग्वेज का साइंटिफिक यूज होगा तो उसमें ट्रूथ और फैक्ट का बात होगा, और जब किसी भी लैंग्वेज का सेम लैंग्वेज को अगर अगर इमोटिव यूज होगा तो उसका मतलब इमोशन से होता है। द साइंटिफिक यूज को कहते हैं कि व्हेन लैंग्वेज इज यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड इट रिक्वायर्स अनडिस्टोर्टेड रेफरेंसेज एंड एब्सेंस ऑफ फिक्शन। सो किसी भी लैंग्वेज का जब साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होगा तो स्वाभाविक है उसमें जो भी रेफरेंसेस दिया जाएगा, जो भी आप डाटा देंगे वो अनडिस्टोर्टेड होगा, मतलब वो फैक्ट होगा, और साथ ही साथ उसमें फिक्शनल डाटा नहीं होगा, मनगढ़ंत कोई भी चीज नहीं होगा, मन मतलब ट्रुथ और फैक्ट वाला डाटा आप देंगे। इन द साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज द रेफरेंसेज शुड बी करेक्ट एंड अनबायस्ड एंड द रिलेशन ऑफ द रेफरेंसेज शुड बी लॉजिकल। साथ ही साथ ये कहते हैं कि किसी लैंग्वेज का जब साइंटिफिक यूज होता है तो जो भी रेफरेंसेज देंगे आप करेक्ट देंगे, अनबायस्ड देंगे, साथ ही साथ जो रेफरेंसेज आप दे रहे हैं उसमें लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। सपोज दैट कि अगर किसी चीज का आप एग्जामिन कर रहे हैं तो आप एक ही लैंग्वेज का नहीं यूज करते, सेम ही लैंग्वेज में नॉवेल अभी लिखा जाता है, अगर इंग्लिश में नॉवेल लिखा जाता है और इंग्लिश में ही रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, तो वही बात वो कह रहे हैं
कि एक लैंग्वेज का दो यूज होता है, तो एक ट्रूथ को एक्सप्रेस करने में साइंटिफिक पर्पस में जिसमें आपको अनबायस डाटा देना पड़ता है, वहीं जब सेम लैंग्वेज का इंग्लिश का ही चाहे हिंदी का ही जब इमोटिव यूज होगा, सो बट इन द इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज एनी ट्रूथ और लॉजिकल अरेंजमेंट्स इज नॉट नेसेसरी। लेकिन जब किसी भी लैंग्वेज का इमोटिव यूज होगा तो उसमें ट्रूथ और लॉजिकल अरेंजमेंट का कोई जरूरत नहीं होता। साइंटिफिक में जरूरत होगा क्योंकि उसमें ट्रूथ और फैक्ट का बात होता है, लेकिन इमोटिव में इमोटिव जब उसी लैंग्वेज का इमोटिव यूज होगा, यानी अगर हिंदी का ही अगर आप उपन्यास में यूज हो या पोएम में यूज हो या फिर अदर जो आर्ट है उसमें यूज होगा, तो उसमें ट्रूथ को नेसेसरी नहीं बताएगा या फैक्ट का को नेसेसरी नहीं रखा गया। लेकिन जब लैंग्वेज का साइंटिफिक पर्पज से यूज होगा, हिंदी का चाहे इंग्लिश का या जो अदर लैंग्वेज, तो उसमें साइंटिफिक यूज में ट्रूथ और फैक्ट का बात होता है। सो बट इन द इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज एनी ट्रूथ और लॉजिकल अरेंजमेंट इज नॉट नेसेसरी विच मे क्रिएट एन ऑब्स्टिकल। वी मे यूज अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट इन अ साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज। तो ट्रू और फॉल्स जो स्टेटमेंट होता है वो साइंटिफिक यूज में होता है लैंग्वेज का जब साइंटिफिक यूज होगा, बट इट मे ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट इमोशन एंड एटीट्यूड। लेकिन इसका यूज किस चीज में, इमोशन और एटीट्यूड के लिए भी किया जाता है। दिस इज द इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। सो जब लैंग्वेज का यूज इमोशन के लिए हो, जैसे ही इमोशन के लिए यूज होगा, देन ट्रूथ और लॉजिकल का जो अरेंजमेंट है वो नेसेसरी नहीं रहता। हो भी सकता है और नहीं भी रख सकता, बट साइंटिफिक में ऐसा नहीं होगा। उसमें लॉजिकल अरेंजमेंट चाहिए, फैक्ट का बात होना चाहिए, ट्रूथ का बात होना चाहिए, लेकिन इमोटिव में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, इसमें नेसेसरी नहीं है। रिचार्ज स्टेट दैट द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज प्योरली इमोटिव। अब आगे रिचार्ज उसी चैप्टर में कहते हैं कि जो पोइट्री का लैंग्वेज है वो क्या है, प्योरली इमोटिव है। सो जैसे ही कोई लैंग्वेज इमोटिव होगा तो ध्यान रखना है कि इसमें ट्रूथ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि लॉजिकल अरेंजमेंट ढूंढने का बात है, नहीं, वो तो साइंटिफिक होगा। सो पोइट्री में आपको अब लॉजिकल अरेंजमेंट नहीं ढूंढते हैं, किसी ट्रूथ और फैक्ट के पीछे नहीं भागते हैं। सो इन इट्स ओरिजिनल प्रिमिटिव स्टेट, तो रिचार्ज कहते हैं कि जो पोइट्री का लैंग्वेज है वो प्रिमिटिव स्टेट से ही, मतलब बहुत पहले से ही क्या है, वो इमोटिव है। दिस लैंग्वेज अफेक्ट्स फीलिंग एंड फॉर इमोटिव पर्पसेस लॉजिकल अरेंजमेंट इज नॉट नेसेसरी। सो जब किसी लैंग्वेज का इमोटिव यूज होगा तो उसमें वो, क्योंकि वो जब यूज हो रहा है तो फीलिंग और इमोशन के लिए हो रहा है, सो उसमें लॉजिकल अरेंजमेंट का कोई जरूरत नहीं। हेंस वी मस्ट अवॉइड इंट्यूटिव एंड ओवर लिटरल रीडिंग ऑफ ए पोएम। फर्दर वो कहते हैं कि हमको अवॉइड करना चाहिए, एकदम वर्ड टू वर्ड किसी पोएम का मीनिंग लगा रहे हैं तो उन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए, एकदम लिटरल मीनिंग नहीं लगा सकते। क्योंकि जब कोई पोएट या कोई राइटर कोई चीज़ लिख रहा होता है तो उसमें फीलिंग और इमोशंस होते हैं, तो अगर हूबहू ऐसा लगाएंगे तो नहीं आएगा। उसमें बहुत सारा लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया जाता है, तो एग्जैक्टनेस अगर हम करेंगे उस पोएम का एकदम वर्ड टू वर्ड, तो वो हम जो उसका रियल मीनिंग है, जो उसका रियल टेस्ट है, उससे दूर चले जाएंगे। सो वर्ड्स इन पोइट्री हैव एन इमोटिव वैल्यू। सो जो भी वर्ड्स पोइट्री में यूज होता है या अदर जो वर्क ऑफ आर्ट है लाइक नॉवेल ड्रामा, उसमें वर्ड्स इन पोइट्री हैव एन इमोटिव वैल्यू, उसमें उसका इमोटिव वैल्यू होता है। एंड द फिगरेटिव लैंग्वेज यूज बाई पोएट विच कॉन्वेज दोज इमोशन इफेक्टली एंड फोर्सफुली। सो और कोई भी राइटर जब कंपोज कर रहा होता है तो उसमें फिगरेटिव लैंग्वेज, इमोशंस, फीलिंग, इन सब का यूज करता है। तो आप वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग लगाते हैं तो आप मतलब उस जो पोएम का टेस्ट है उसको आप खो देते हैं। अकॉर्डिंग टू रिचार्ज ट्रूथ शुड बी रिजर्व फॉर द साइंटिफिक यूजेस फॉर द अवॉइडेंस ऑफ कंफ्यूजन, बट इट शुड बी अवॉइडेड इन द डिस्कोर्स ऑफ इमोटिव यूज। आगे रिचार्ज कहते हैं कि ट्रूथ जो वर्ड है जो कि साइंटिफिक पर्पज के लिए आता है, सो ट्रूथ शुड बी रिजर्व फॉर द साइंटिफिक यूज। ट्रूथ जो वर्ड है उसको आप रिजर्व रखिए साइंटिफिक यूज के लिए फॉर द अवॉइडेंस ऑफ कन्फ्यूजन, ताकि साइंस में अगर ट्रूथ का बात है तो क्या करता है, साइंस में अगर ट्रूथ होता है देन डिफरेंट जो भी कन्फ्यूजन है आपका वो दूर हो जाता है, बट इट शुड बी अवॉइडेड इन द डिस्कोर्सेज ऑफ इमोटिव यूज। लेकिन ट्रूथ को अवॉइड करना है आपको कहाँ, इमोटिव में। सो इमोटिव कहाँ होता है, किसी भी लैंग्वेज का जो इमोटिव यूज है वो आपका आर्ट में होता है, सो पोइट्री में होता है, नॉवेल में होता है, तो इसमें हमको ट्रूथ को नहीं ढूंढना है। हाँ, फर्दर वो बताते हैं क्यों ऐसा वो कह रहे हैं
कि द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ट्रूथ इज मोस्ट यूजुअल इन अ वर्क ऑफ आर्ट। कहते हैं कि हर आर्ट में जो ट्रूथ का एक्सेप्टेबिलिटी है वो इज यूजुअल है, सामान्य की तरह। रिचार्ड्स गिव्स एन एग्जांपल ऑफ डैनियल डिफोज फेमस नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो। अब इसी चैप्टर में वो एक एग्जाम्पल देते हैं डैनियल डिफो का फेमस नॉवेल, सब लोग आप लोग जानते होंगे रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में। Wherein the protagonist Robinson Crusoe tells his adventurous story to the readers to believe that he was a real person. So, उस नॉवेल में यह है कि रॉबिन्सन क्रूसो बताते हैं अपना जो भी एडवेंचरस स्टोरी है, जो सी वोएज है उनका, और एज अ रीडर हम लोग वो जो भी कहते हैं हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको सच मानते हैं और उसको एज अ ट्रूथ हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि रॉबिन्सन क्रूसो एक रियल पर्सन था। And his story were the true incidences, और जो भी उसके साथ होता है उसको भी हम लोग सच मानते हैं। So Robinson Crusoe as a young Englishman takes to sea seeking adventure. He shipwrecked and thrown out on a remote tropical island for 28 years. तो नॉवेल में आप देखेंगे कि जब Robinson Crusoe अपने समुद्री यात्रा पे जाते हैं तो उनका जो ship है वो डूब जाता है और उसके बाद वो किसी आइलैंड पे मतलब 28 इयर्स तक रहते हैं। इट सेम्स इम्पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू लिव अलोन फॉर 28 इयर्स। ये चीज़ बहुत आश्चर्य की बात है कि कोई भी कैसे कोई अकेले आदमी 28 इयर्स किसी आइलैंड पे रह जाएगा। बट वी आर टोल्ड अबाउट द थिंग्स एंड देयर एक्सेप्टेबिलिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द नैरेटिव एंड नॉट इन देयर कॉरेस्पॉन्डेंट विद एनी फैक्ट। सो वो जो भी कह रहा है उस पर हम बिलीव करते हैं और ना बिलीव करते हैं, ये नहीं कि जा करके हम फैक्ट को ढूंढते हैं या फिर चेक करते हैं कि यह सच में रहा या नहीं रहा। अगर ऐसा करेंगे देन सच में जो उसका टेस्ट है लिटरेचर का, जो उसके साथ फीलिंग है, इमोशंस है, वो सब चीज़ हम खो देंगे। फर्दर रिचार्ड सेज द फॉल्सिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अ वर्क ऑफ आर्ट। आगे रिचार्ड फिर बात करते हैं कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट में फॉल्सिटी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये क्या फॉल्सिटी क्या बात कर रहे हैं, ये हम लोग देखते हैं कि इट वुड बी फॉल्स बिकॉज इट वुड बी अनएक्सेप्टेबल टू द रीडर। रिचार्ड्स गिव्स एन एग्जांपल ऑफ नोहम टेट्स प्ले। अब रिचार्ड्स एक नोहम टेट का प्ले का एग्जांपल देते हैं जिसमें उस प्ले का नाम है द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर विच अपीयर्ड इन 1681। सो नोहम टेट का एक प्ले आता है द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर 1688 में और ये कॉमेडी है। His play was adopted from Shakespeare King Lear. और ये जो play है Noam Chomsky का The History of King Lear, ये adaptation है Shakespeare के tragedy से, King Lear से। So Shakespeare's King Lear ends with sorrow, while Tate's King Lear has happy ending. So जो Shakespeare का play है King Lear, वो तो हम लोग जानते हैं कि उसका जो ending है वो कितना sorrowful है, और जो Noam Chomsky का King Lear है वो उसको happy ending कर दिया। सो जो कहने का ये मतलब है, जो शेक्सपियर का किंग लियर था उसमें जो फीलिंग, उसमें जो इमोशन था, और एज ए रीडर, एज ए स्पेक्टेटर जो आप फील करेंगे वो आप नोहम टेट के प्ले द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर में नहीं आप फील कर सकते हैं। आप नोहम टेट के द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर में पाएंगे कि उसमें जो किंग लियर की सबसे छोटी बेटी है उसको नोहम टेट उसमें जीवित रखे हैं, और लेकिन शेक्सपियर में ऐसा नहीं। शेक्सपियर के किंग लियर में किंग लियर की जो सबसे प्यारी बेटी है, डियरेस्ट डॉटर है, उसका को डेथ देखने को मिलता है। सो इस टाइप की स्टोरी को वो फॉल्सिटी कहते हैं रिचर्ड्स। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग द टू यूजर्स ऑफ लैंग्वेज बाय हाई रिचर्ड्स। होप इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। थैंक यू।